अजूमी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? बोल जूमी, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? दीदी, मुझे मदन चाचा ने बहुत डांटा और मुझे दुकान से धक्का मारकर बाहर निकल दिया और हमको कभी नहीं सामान देंगे। ठीक है जूमी, अब तुम रो मत। मैं हूँ ना, तुम जाके मुँह हाथ धो लो, जाओ। इतनी छोटी बच्ची को ऐसा कोई करता है क्या? ये मदन एक दरिंदा है, दरिंदा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। गलती तो हमारी ही है माँ, हमें उसे सामान लेने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने उसके 4 महीने से उधार नहीं चुकाया। वो तो ऐसा करेगा ही, उसे पैसों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, एक नंबर का लालची है वो। लेकिन उसका उधार हम लोग सुकाएंगे कैसे? हमारे हाथ तो एकदम खाली है। तुम्हारे पिताजी को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में अगर वो हमें सामान नहीं देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? माँ, तुम इतने परेशान मत हो। आज मैं पिताजी के साथ बात करके कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगी। क्या हुआ भैया, तू इतनी परेशान है? सब ठीक ठाक है तो? कुछ ठीक नहीं है बिपिन, बहुत बुरा दिन चल रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? इन दिनों मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, खेती भी खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां से पैसा लाऊं। परसों जूमी को मदन ने दुकान से धक्का देकर भगा दिया। वो रोती रोती घर आई। ऐसा क्या उसने इतनी छोटी सी लड़की के साथ? तूने कुछ किया कि नहीं? मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? इतनी दिनों से उसके दुकान से ही सामान लाता हूं और आज 4 महीनों से उसका उधार नहीं चुका पा रहा हूं, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब तो सामान देना भी बंद कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ भैया तुम्हारे साथ। हाँ बिपिन, उस दिन से मेरे घर में ठीक तरह से चूल्हा भी नहीं जल रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन हम सब लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। तू ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? भगवान पर विश्वास रख, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेंगे। हाँ, अब तो उसी के ऊपर भरोसा है। चल अब चलते हैं। ठीक है चल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे मदन का उधारी चुकाऊं, अब घर कैसे चलाऊं, कहां से आएंगे इतने पैसे? मैंने आज मदन चाचा की दुकान से कुछ सामान लाई हूं और उसे और 1 महीने की समय मांगा है। उसने क्या कहा? उसने भी मेरी बात मान लिया है और 1 महीने की समय दे दिया है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसने 1 महीने का समय तो दिया है। इस महीने के अंदर अंदर हमें उसका उधार चुकाना पड़ेगा। लेकिन चुकाएंगे कैसे? पैसे आने के सारे रास्ते बंद है। कुछ ना कुछ तो इंतजाम हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। माँ, पिताजी, तुम लोग इतने परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके उसकी उधार चुका दूंगी। तुम कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? मैं ट्यूशन करूंगी, दोस्तों से उधार लूंगी और उन्हीं पैसों से 4 महीने की उधार चुकाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी तो हमें जीने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तब घर कैसे चलेगा? हमेशा तुम्हारे ट्यूशन की कमाई से तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये खेती बाड़ी की काम छोड़कर कोई नया काम शुरू कर दूं, ऐसा काम जहाँ से बहुत सारे पैसे मेरे हाथों में आए और हम लोग हंसी खुशी अपना जिंदगी बिता सके। लेकिन ऐसा काम इस गांव में मिलेगा कहाँ? इस गांव में नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी हो,
मैं वही चला जाऊंगा, लेकिन मैं और इस तरह से जी नहीं सकता। कल से ही मैं नए काम की तलाश शुरू कर दूंगा। आपको जो सही लगे वही कीजिए। तो तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ प्रवीण, तुमसे पैसे मांगने की मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे हालात ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे गलत मत समझना। इसमें गलत समझने की क्या बात है? तुम ऐसी हालत में मेरे पास नहीं आओगी तो और किसके पास जाओगी? लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं शायद तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा। मेरा घर का हालत भी ठीक नहीं चल रहा है और मुझे भी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है। तुम समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? हाँ, समझ रही हूँ। और एक बात मैं तुमसे कहने ही वाला था। कैसी बात? मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर चला जाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस गांव में कुछ बसा ही नहीं है और इस गांव में रहकर मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। काम ही नहीं है इस गांव में, और अगर समय रहते ही मैंने कुछ भी नहीं किया तो तुमसे शादी कैसे करूंगा, कैसे एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा? इसीलिए मैंने सोचा है कि दो एक महीने के अंदर मैं शहर चला जाऊं और वहां जाके एक अच्छी नौकरी करूंगा और वहीं पे ही काम करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम शहर चले जाओगे, वहां जाके तो तुम मुझे भूल ही जाओगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं जहां भी जाऊं तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मैं तुम्ही से ही शादी करूंगा। कब जा रहे हो तुम शहर? अभी नहीं, और कुछ दिन बाद। सारे इंतजाम करने में मुझे 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। और एक बात, तुम्हारे जो पैसों की जरूरत है ना, मैं 1-2 दिन में ही पूरा कर दूंगा। मालूम नहीं कितना दे पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें कम से कम 10 या 20 हजार रुपया दे दूंगा। ठीक है ठीक है, अभी चलते हैं, मुझे कोई और जगह भी जाना है। ठीक है, चलो चलो। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। मालती चाची, सविता। क्या हुआ बीरेन, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या बीरेन भैया? मोहन चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पर कहां? कैसे? अब पिताजी कहां है? मोहन चाचा शहर से आ रहे थे, तभी गांव पहुंचने से पहले किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया और बुरी तरह से वो जख्मी हो गया। लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, अब वो हॉस्पिटल में ही है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मालती चाची, सविता, आप लोग चाहे तो मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बीरेन भैया। हाँ चलो। हे भगवान, कुछ अनर्थ मत करना। भगवान पर विश्वास रखिए मालती चाची, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। हाँ, चलो चलो। देखिए, आपके पति की हालत बहुत नाजुक है, अभी वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसको अच्छी इलाज की आवश्यकता है, तो आप जल्द से जल्द दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द मेरे ख्याल से अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब?
कम से कम तो आप लोगों को 5.5 लाख लग जाएगा। 4-5 लाख? हाँ, क्योंकि जख्म बहुत गहरी है तो अभी उनको जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में उनका बचने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इतना सारा पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? देखिए, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया है, तो बाकी आप लोग देखिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो माँ। चलती हूँ। तुम इतनी परेशान मत रहो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पिताजी की ये हालत मैं सह नहीं पा रही हूँ। उसे इस हालत में देखने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर पिताजी को आज से अस्पताल में इलाज नहीं करवाया तो हम हमेशा के लिए पिताजी को खो देंगे। अपने आप को संभालो सविता, ऐसे रोने से कुछ फायदा नहीं। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे प्रवीण, कैसे कैसे ठीक होगा पिताजी? उन्हें ठीक करने के लिए हमें 4-5 लाख रुपए की जरूरत है और हमारे पास अब तक ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार ही इकट्ठा हुए हैं। कैसे सब ठीक हो जाएगा? अभी भी 2-3 दिन हमारे पास है ना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमें अभी हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जब तक कोशिश कर सकेंगे तब तक कोशिश करेंगे, उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इतना जल्दी हार नहीं माननी है, हमें आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए। मैं लड़ूंगी, आखिरी वक्त तक लड़ूंगी। पिताजी को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। तो प्रवीण, एक काम करते हैं। क्या? तो आज से हम पैसों के इंतजाम करने के लिए हम दोनों साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो हम ज्यादा लोगों के पास नहीं जा पाएंगे। अगर हम दोनों अलग अलग होकर जाएंगे तो ज्यादा लोगों के पास जा पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो ठीक है, हम अब चलते हैं, शाम को अस्पताल में मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। कितने हुए बेटी? ज्यादा नहीं हुआ है माँ, पहले का 50 हजार मिलकर अब तक 70 हजार ही इकट्ठा हुए हैं। हमें और पैसों की जरूरत है। तो एक काम करते हैं। क्या? तुम्हारे शादी के लिए तुम्हारी दादी का दिया हुआ 2-3 गहने रखे थे, वो कल बेच दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन तब भी हमें और पैसों की जरूरत होगी। वो तो है, लेकिन इन पैसों से तुम्हारे पिताजी का कुछ दिन तो इलाज कर सकूंगी। हाँ, कर तो सकूंगी। तब तक कुछ ना कुछ करके हमें बाकी पैसों की इंतजाम करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन माँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पिताजी के इलाज के लिए हमें पैसे उधार नहीं दिया। जब पिताजी अच्छे थे तो उन्हीं लोगों ने पिताजी को खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये दुनिया ही ऐसी है बेटी, सिर्फ मतलब देखती है, सब मतलब ही है। हाँ माँ, आज मैं मुनिंदर चाचा के घर गई थी उनसे पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने भी पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। वो बोल रहे थे इन दिनों उनका व्यापार अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो हमें 20 हजार रुपया भी नहीं दे पाएंगे। झूठ बोलते है वो, मुझे सब पता है, इन दिनों उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी वो हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे।
क्योंकि किसी को मदद करने के लिए एक डील चाहिए जो उनके पास नहीं है। ठीक कह रही हो माँ। माँ एक बात पूछूं? पूछो। हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमें इतना सब कुछ सहना पड़ता है ना माँ। अगर आज हमारे पास पैसा होता तो पिताजी को बचाने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान ने हमें गरीब बनाया है, इसलिए हमें ये सब सहना ही पड़ेगा बेटी। गरीब होना भी एक अभिशाप है ना माँ। हाँ बेटी, एक अभिशाप ही है। लेकिन भगवान ने हमें गरीब बनाया ही क्यों? हम लोगों ने क्या गलती किया है, कैसे गुनाह किया है, ये सब वही जाने बेटी। माँ मैं लड़ूंगी, हमारी इस गरीबी से लड़ूंगी, और एक दिन इस अभिशाप से खुद को और तुम सभी को मुक्त कराऊंगी, देखना तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। भगवान पे विश्वास रख के तुम अपने काम करती जाओ, एक ना एक दिन तुम हमें इस गरीबी से जरूर आजाद कर सकोगी। पहले जैसे भी हो पिताजी को ठीक कर लो, उसके बाद मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे पिताजी के पास भी तो जाना है। हाँ ठीक है माँ, ये रखो। सो जाओ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। माँ जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ बस हो गई बेटी, मैं अभी आई। चलो बेटी चलो, आज तो बहुत ही देर हो गई है। चबिता, चबिता। क्या हुआ प्रवीण? तुम लोग ये खाना घर पे रख दो। खाना घर पे रख दो, लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन सासा। क्या हुआ पिताजी को? मोहन सासा ये खाना नहीं खा पाएंगे। ये खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि सासी। प्रवीण बताओ तो कुछ। मोहन सासा। बोलो। मोहन सासा, मोहन सासा अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रवीण तुम्हें क्या बक रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ सबिता, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। नहीं ये नहीं हो सकती, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं। सबिता अपने आप को संभालो। सबिता, सबिता। क्या शादी? हाँ शादी। लेकिन माँ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, और उसके बाद ही मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसलिए ही मैं तुमसे शादी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद ही तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब?
देखो बेटी, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। तुमने मुझे और जुम्मी को लेकर जितने सपने देखे हैं, वो भी पूरे हो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम शादी कर लो। लेकिन मेरे सपनों से मेरा शादी का कैसा संबंध है माँ? संबंध है बेटी, बहुत ही गहरा संबंध है। बोलो तो। तो सुनो, देखो, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो मैं एक अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दूंगी, जिसका अपना कोई व्यापार हो या नौकरी हो। शादी के बाद तुम उसकी अर्धांगिनी बन जाओगी और उसके सुख दुख की हिस्सेदार बन जाओगी। ठीक वैसे ही वो भी तुम्हारे सुख दुख का हिस्सेदार बन जाएगा। माँ तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। मेरी कहने का मतलब है, तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे पति तुम्हारे सारे समस्याओं का हिस्सेदार बन जाएगा। तब हमारे समस्याओं से तुम्हें अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा, हर कदम पे वो तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर मेरे पति ने मेरी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं माना तो? एक अच्छा पति कभी वैसा नहीं करेंगे, और एक अच्छे परिवार का लड़का हमेशा अच्छा पति ही बनता है। लेकिन आजकल कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये सब जानना इतना आसान नहीं है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ माँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम सोचकर ही मुझे बताना, मुझे तुम्हारे फैसले की इंतजार रहेगी। ठीक है।